I'm Dr. Saz Biswas, Professor of Forestry from Dolphin PG Institute. Here I'm in District Uttarkashi at Parola, and this is the scenic landscape of Parola Township. And you can see there is a river, what is known as Kamal Ganga. And on the other side, there I can find the villages. And I'd just like to tell you that I'm here to commemorate my 50th year of forestry and allied research and education, starting from 1973, and next year, 2023, I shall be completing 50th year of my research, education and extension. I'm here in Parola with my friends who are resident of this place, and I'd just like to interview them. With me is Mr. Vinod Kumar Mehra and Vishambar Chauhan. यहाँ के ये परोला निवासी हैं और मैं जरा इनसे बात करना चाहूँगा और फिर आपको उस हिसाब से एरिया. ओवर टू श्री मेहरा. सर, मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पे आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ परोला को लेके? आप कब कब यहाँ पे आए, थोड़ा सा आप हमको मार्गदर्शन करेंगे, तब मैं आपके यहाँ के बारे में जो है मैं आपको जानकारी दूँगा. मैं यहाँ पे 1974 में, फिर 1976 में, जब मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर था, तब मैं यहाँ आया था अपना पीएचडी करने के लिए. मेरा जो पीएचडी का टॉपिक जो था वो ऑस्मार टीडी गलवाल पे जो फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ यू नो दैट टाइम दैट वाज उत्तर प्रदेश हिल्स एंड उत्तराखंड बिकेम लेटर. सो दिस इज दैट वाज आई वाज डूइंग इट. सिंस आई एम कंप्लीटिंग माई मैं अपना 50th ईयर कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उन एरियाज को जहाँ तक हो विज़िट करूँ जो मैंने 50 साल पहले घूमा, और उसके बारे में देखूँ कि कितने डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन वाइज चेंजेस हो गया. अब मैं जानता हूँ कि मैंने अपने प्रोफेसर और गुरु श्री सोमदेवा के साथ इन पहाड़ियों पे घूमा हूँ, लेकिन मैं इसका कोई मुझको कोई आइडिया नहीं है कि कौन से एरिया से मैं कोई कहाँ घुसा था. और मुझे ये सब जो यहाँ पे जो टाउनशिप जो बढ़ गया है उसके बारे में भी मैं जानता हूँ कि वहाँ कुछ नहीं था. यहाँ एक रिवर जो अभी भी बहती है जो परोला से नौगांव को जाएगी, कमल गंगा कहलाती है, और इसके दूसरी तरफ एक दूसरा है वो जो यमुनोत्री है. हाँ, बट वन थिंग आई नो, यस्टरडे व्हाइल आई वाज ऑन ट्रैकिंग इन दिस पार्ट ऑफ उत्तराखंड, आई केम टू लर्न अबाउट अ विलेज वेयर अ वेरी लर्नड पर्सन फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड मिस्टर पृथ्वीराज कपूर, ही टुक अस टू अ विलेज व्हाट इज नोन एज परोला गांव. और मैं मिस्टर मेहरा कहना चाहूँगा कि आप जरा हमको बताएं. सर, मैं ये जो इस समय आप मेरे सामने जो टाउनशिप है, नगर पंचायत परोला है, और ये सर दो ग्राम सभाओं से बनी है. जो नदी के जो आप उस तरफ देख पा रहे हैं, ये ग्राम पंचायत खाबी सड़क के नाम से होती थी, और जो मैंने अपने दादाजी से सुना है, जो आपके समय जो सारे मकान दिख रहे हैं, ये किसी समय धान की खेती के लिए बहुत फेमस था. यहाँ पे धान का लाल चावल होता था वो ये फेमस था, परंतु जैसे जैसे यहाँ पे शहरीकरण होता गया और ये लोगों ने अपनी ज़मीन बेचते चले गए, आज ये बहुत बड़ा बाजार बन गया है. ये नगर पंचायत परोला दो मेन गांवों से बनकर बना है, एक खाबली सेरा और प्लस परोला गांव. नदी के उस तरफ जो हम देख पा रहे हैं वो खाबली सेरा है, और नदी के इस तरफ जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय सरुताल होटल में, ये परोला गांव है. परोला गांव भी मेरे पीछे है, क्योंकि वो दिख नहीं पा रहा है, वो काफ़ी बड़ा है, और परोला के नाम से इस नगर पंचायत का नाम परोला नगर पंचायत पड़ा है. यहाँ पे सर दो चीज़ फेमस है, एक यहाँ नागराज का मंदिर है जो
ये वो जो जो नजर आ रहा है नागराजा मंदिर है, ये नागराजा मंदिर है। और सर एक दूसरी शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है सर, ये जो कमल गंगा है ये जहाँ से निकलती है वहाँ पर सर कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, कमलेश्वर महादेव का मंदिर है उसी के वो क्या इधर से दिखाई देता है? नहीं सर यहाँ से नहीं, काफी आगे जाके देखना पड़ेगा। उसकी सर सबसे बड़ी मान्यता ये है सर, जो निसंतान व्यक्ति होते हैं जो ये मान्यता है वो बता रहा हूँ मैं आपको जी। वो लोग जब वहाँ पे एक रात अपनी गुजारते हैं, जागरण करते हैं महाशिव का, तो नेचुरलिटी में है कि 100% उनको संतान की प्राप्ति होती है। ये सर यहाँ देवभूमि का सबसे बड़ा गुण है। और इसी कमल गंगा जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, आज तक इस कमल गंगा ने किसी को कोई नुकसान नहीं करा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इससे जो लाल चावल पैदा होता है वो शुगर के काम में भी आता है, शुगर वाला उस आदमी लाल चावल को खा सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब है डायबिटिक वाला खा सकता है। ये इसकी कमल गंगा की इतनी बड़ी हमारे को देन है सर। क्योंकि मैं सभी आने वाले लोगों से ये आग्रह करूँगा कि प्लीज़ हमारे जंगल और नदियों को बचा के रखें, प्लीज़ इसको गंदा ना करें, बस यहाँ पे घूमें मौज मस्ती करें, परंतु यहाँ पे सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। विनोद साहब मैं एक ये देख पा रहा हूँ, वो देखिए वो जो चीर पाइन जो लगा हुआ है, और वो चीर पाइन पूरा ऐसे फैला हुआ है, और जहाँ जहाँ ये खुला हुआ है वहाँ कोई दूसरा पेड़ नहीं लग रहा, देयर इज नो वेजिटेशन। ये हमारी सबसे बड़ी ये समझो कि ये हमारा दुर्भाग्य भी है सर, क्योंकि चीड़ का जंगल इतना नहीं होता था पहले, ये धीरे धीरे बढ़ता चले गया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जहाँ पे उगता है इसके नीचे कोई वनस्पति नहीं उगती सर। और ये पे देखिए सॉइल इरोजन हो गया, और ये सर सॉइल इरोजन थोड़ा ये होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण होना था, उस चक्कर से थोड़ा सा इसमें खनन किया गया, तो तब ये उस समय बरसात का सीजन एकदम शुरू हो गया था, इसलिए यहाँ पे खनन हो गया है। क्योंकि विकास के साथ साथ थोड़ा विनाश भी संभव है, अगर हम विकास चाहेंगे तो थोड़ा तो सर। मैं एक चीज मैं आज सवेरे में खोज ये कर रहा था कि पुरोला का नाम क्या है, कैसे कहाँ से आया मीनिंग, तो एक तो पुरोला का नाम सर मैं पहले ही बता चुका हूँ सर, पुरोला जो हमारी ग्राम पंचायत होती थी पहले, पुरोला गांव, पुरोला गांव जो मेरे इस तरफ दिख रहा है, और चूंकि ये बाद में जब नगर पंचायत बना सर, ये खाबली सेहरा और पुरोला गांव को मिलाकर बनाया सर। ये सर बहुत पुराना नाम है, पुरोला नाम का मतलब तो मैं समझता हूँ सर पांच तत्व से बनकर बना है सर, पांच तत्व से बना है, पुरोला का नाम पुरोला, पांच तत्व जो है मैं ये समझता हूँ वो पांच तत्व जो है वो लाल चावल में भी विद्यमान है। यस सर, और पुरोला में सर हर प्रकार के लोग रहते हैं, पुरोला गांव में पहले से ही हर प्रकार के लोग रहते थे। पुरोला गांव के लोग ज्यादा मैत्री वाले हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, और हमेशा उनके अंदर एक भावना रहती है सर, अतिथि देव भाव। ये पुरोला गांव की सबसे बड़ी पहचान है सर। हाँ, ये उत्तराखंड की भी पहचान है, उत्तराखंड की भी पहचान है, पुरोला गांव अतिथि देव भाव वाला गांव है। आप आइए विजिट करिए, और फिर मैं अगेन दो बार आपसे बोलूंगा, नदी कमल गंगा और हमारी पहाड़ी को स्वच्छ रखे। ठीक, धन्यवाद, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज सवेरे ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था गूगल सर्च से कि पुरोला का कहीं और दूसरा मीनिंग भी है या नहीं, तो मैंने देखा कि पुरोला जो वर्ड है उसका बहुत मीनिंग है, और जैसा आपने बताया वो सारे के सारे शहर में वो विद्यमान है। और दूसरी चीज़ है, कहीं मैंने सुना कि जो लाल कलर है उसको भी पुरोला से काउंट किया जाता है, तो वो मैं समझता हूँ जैसे आपने बताया कि बिकॉज ऑफ द रेड राइस दिस इज ऑल्सो वेरी मच मीनिंगफुल। बट वॉट आई अंडरस्टैंड टू टेल द पीपल दैट यू नो ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट a lot many things are happening in the forest, as Mr. Mehra said that cheer pine is invading, it was not earlier, and it is causing diminishing of the ground flora and impacting on that, but and at the same time there is a very heavy urbanization which has taken the toll of the ecology, and what we do require to save in term of this living of flora, fauna, ecology of Purola of district Uttarakhand, we need to, be more concerned and more proactive.
ठीक है, आपसे अब